सो हाय गाइस, तो मेरा नाम एहसान अली और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल ब्रो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर का न्यू अकाउंट यानी न्यू आईडी आप कैसे बना सकते हो और उसमें पोस्ट आर्टिकल लिख के आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बताता हूँ कि आप उसका अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है blogger.com। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ blogger.com। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो blogger.com, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, और आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जीमेल सेलेक्ट करनी है। आप कौन सी जीमेल पर अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो मैं सिंपली इसी जीमेल पर अपना जो ब्लॉग है वो यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू, अगर मेरे यहाँ पे कोई दूसरी जीमेल है तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसी पर अपना जो ब्लॉगर है वो यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो कंटिन्यू एस ताज़ा, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ब्लॉगर है वो इस जीमेल से साइन इन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखते हो हमारा जो यहाँ पे अगला पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे देख सकते हो चॉइस ए नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का जो नाम रखना, कौन सा नाम रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ, जैसे कि पागल राइटर, ये मैंने यहाँ पर नाम है ये मैंने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप ब्लॉग में कौन सा एड्रेस यहाँ पर लगाना चाहते हो, जिससे कि आपके जो भी यूज़र है वो इस एड्रेस से आपके ब्लॉग में पहुँच सके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ pagalwriter.com। अगर ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ ये देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी तो ये मेरा जो अवेलेबल है ये नाम पागल राइटर मैंने यहाँ पे डबल आर यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन एक बात आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले नेम, आप अपने जो स्क्रीन पर नाम है वो आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर वही लिखना चाहता हूँ यहाँ पर पागल राइटर। ये लिखने के बाद आपको वापस से यहाँ पर देख सकते हो फिनिश का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये लास्ट पेज है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फिनिश पर। फिनिश पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पर पेज है वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हो यहाँ पर आपको अपनी जो पोस्ट, आपने कितनी पोस्ट यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, और आपकी पोस्ट कितने जनों ने, कितने यूज़र ने आज यहाँ पर देखी है और कितने कल, वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। और कितने कमेंट आपकी पोस्ट पर आए हैं वो यहाँ पर शो करेगा, और आपकी कितनी अर्निंग हुई है आज तक वो इसमें शो करेगा, और आपने कितने पेजेस बनाए हैं वो यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर आप लेआउट और यहाँ पर थीम और ये सेटिंग, तो ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आप अपने जो ब्लॉग की डिटेल है या प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखते हो वी ब्लॉग, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ब्लॉग में जा सकते हो। तो अब आपको, सॉरी मैं यहाँ पे वापस बैक आ गया। तो देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे साइट को ओपन कर लेना है। तो ये पे देखते हो तो इसमें मैं क्लिक करके इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हो अभी यहाँ पर हमारे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो मैं आपसे इसे कैंसिल कर देता हूँ, और इसे यहाँ से कैंसिल, इसे कर देता हूँ, इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके यहाँ पे जीरो पोस्ट है अभी। अब आप इसमें पोस्ट कहाँ लिख सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस का आइकन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पर आप देखते हो आपका यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो ऊपर यहाँ पर आपको अपने आप किस कैटेगरी का यहाँ पर आप डालना चाहते हो वो यहाँ पर आपको टाइटल डाल देना है। टाइटल डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी आर्टिकल लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लेबल डाल देना है। लेबल डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें लिंक ऐड नहीं करनी है जब तक आपका अप्रूवल ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।